मधुमक्खियां अपने छत्ते में शहद बनाकर रखती हैं, पर भैया छत्ता तो ततैया का भी होता है, ततैया के छत्ते में तो शहद नहीं होता है। नहीं मतलब भूख तो ततैया को भी लगती होगी, खाने पीने का इंतजाम तो उसे भी करना पड़ता होगा, तो बेचारी ये मधुमक्खियां ही दिन रात काम करके अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा शहद क्यों बना रही हैं? हमेशा की तरह कुछ नया ही बताएंगे। पहले तो जासूस बनकर ततैया के छत्ते से शहद निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि ततैया का डंक बहुत जोर का होता है। चुपचाप मान लो कि ततैया के छत्ते में शहद नहीं होता। अब देखो बात ये है कि मधुमक्खियां अपने खुद के खाने के लिए शहद बनाती हैं, और इस काम के लिए वो फलों और फूलों का इस्तेमाल करती है। और भैया जब सूखे का मौसम आता है और फल फूल झड़ जाते हैं, तो ऐसे समय में इन्हें भूख से ना मरना पड़े, इसीलिए काफी एक्स्ट्रा शहद बना के रखते हैं। वो बात और है कि मधुमक्खियां गणित में कमजोर होती हैं और अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा शहद बना लेती हैं। वहीं पर बात करें ततैया की, तो भैया ततैया होती है सर्वाहारी, जब तक फल फूल मिला ठीक, वरना छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा के अपना काम चला लेती है, और इसीलिए शहद नहीं बनाती।